आगे बढ़ते हैं, साई कैबिनेट का जिक्र करते हैं। साई कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है। पंचायत नगरीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण राज्य में जल्द होने हैं पंचायत और निकाय चुनाव। बता दें, नई औद्योगिक विकास नीति पर मुहर लगी है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रावधान है। विजन डॉक्यूमेंट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नया रायपुर में निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो साई कैबिनेट की बैठक, इसमें कई मुद्दों, कई फैसले लिए गए हैं, कई फैसलों पर मुहर भी लगी है। पंचायत नगरीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण भी होगा, राज्य में जल्द होने हैं पंचायत और निकाय चुनाव, और उसी को देखते हुए ये बड़े फैसले जो हैं सरकार की ओर से लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक थी, कैबिनेट बैठक में ये बड़े फैसले जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये लिए गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरी निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं अनुशंसा अनुसार आरक्षण प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग का गठन किया गया और जिसके माध्यम से प्रतिवेदन के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत और नगरी निकाय के चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। साई कैबिनेट की बैठक और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, कई फैसलों पर मुहर भी लगी है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रावधान होगा। बता दें, विजन डॉक्यूमेंट को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो वहीं नया रायपुर में निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा, इस पर भी चर्चा हुई और बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल कैबिनेट की बैठक थी, इसमें कई सारे मुद्दे थे जिन पर चर्चा होनी थी और फैसले भी होने थे और फैसलों पर अब मुहर भी लग चुकी है। पंचायत नगरीय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रहेगा, ये भी आपको जानकारी दें कि राज्य में जल्द पंचायत और निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर के आज महत्वपूर्ण ये चर्चा और महत्वपूर्ण ये फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं। ये जानकारी भी आपको दे दें कि नई औद्योगिक विकास नीति पर भी मुहर लगा दी गई है सरकार की ओर से। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों प्रोत्साहन के लिए विशेष प्रावधान इसमें होगा। विजन डॉक्यूमेंट को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो वहीं नया रायपुर में निवेश को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, साई कैबिनेट की बैठक हुई है, कितनी खास ये बैठक हुई और आगामी चुनावों को देखते हुए, नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए कितनी खास ये बैठक, किन किन मुद्दों पर मुहर, बताइए। जी देखिए, कैबिनेट की बैठक हुई, 16वीं बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। अगर सबसे बड़े फैसले की बात करें तो नई उद्योग नीति पर मुहर लग गई है। इसके तहत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में जो है वो औद्योगिक क्रांति एक तरीके से लाया जाएगा, सिस्टम बनाया गया है, विकास खंड स्तर पर इसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही विजन डॉक्यूमेंट को लेकर भी मुहर लगा है। बात अगर चुनाव को करें तो पंचायत चुनाव को लेकर जो ओबीसी आरक्षण की बात कही जा रही थी, आयोग ने उसको उसकी रिपोर्ट सौंपी है और उस पर भी मुहर लगी। इसके साथ ही तीर्थ यात्रा दर्शन योजना पर मुहर लगी है, इसके लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। 60 साल से अधिक आयु, विधवा, परित्यक्ता और अन्य श्रेणी में आने वाले जो लोग हैं उनको तीर्थ यात्रा निःशुल्क रूप से शासन द्वारा कराया जाएगा। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति को जो है वो लागू किया गया है, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए ये बेहतर एक तरीके से प्रयास है। इसके साथ ही नया रायपुर में जो है उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भूमि क्रय को लेकर भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जी ठीक, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए आकाश। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए ग्राउंड जीरो में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।